साल 2019 से ऑस्ट्रेलिया का पाकिस मुरियांग टेलीस्कोप कई महीनों से हमारे सबसे करीबी स्टार अल्फा सेंटोरी सी, ऑल्सो नोन एज प्रोक्सिमा सेंटोरी, पर नजर गड़ाए हुए था। वो बेसिकली ये खोज करना चाहता था कि क्या ये स्टार अपने अराउंड हैबिटेबल जोन में घूम रहे रॉकी प्लैनेट प्रोक्सिमा बी पर लाइफ सस्टेन कर सकता है या नहीं। लेकिन इस रिसर्च के दौरान सेटी के एक ऑस्ट्रेलियन अंडरग्रेजुएट शेन स्मिथ ने एक बहुत ही स्ट्रेंज रेडियो सिग्नल डिटेक्ट किया। और स्ट्रेंज इसीलिए क्योंकि जब स्मिथ ने अपने ऑब्जर्वेशंस अपने सीनियर्स से शेयर किए तो उन्होंने ये देखा कि वो सिग्नल यूनिवर्स में मौजूद किसी भी दूसरे नेचुरल सिग्नल के जैसा है ही नहीं। इनफैक्ट उस सिग्नल का स्ट्रक्चर हमारे द्वारा प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियल सिग्नल्स के जैसा था, यानी कि वो रेडियो सिग्नल 982 मेगाहर्ट्ज की एक नैरो बैंड रेंज में पड़ रहा था जो यूजुअली सिर्फ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और स्पेसशिप्स यूज करते हैं। लेकिन फिर इसके बाद एस्ट्रोनॉमर्स ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें हमारे ही सिग्नल्स वापस से बाउंस बैक होके मिल रहे हैं। सो उन्होंने उन सिग्नल्स को फिर से स्टडी किया और उस वेरिफिकेशन के बाद ये कंफर्म हो गया कि हमें जो सिग्नल्स मिल रहे हैं वो हमारे पृथ्वी से जुड़े ही नहीं थे, ये तो कहीं दूर से इंटरस्टेलर स्पेस से आ रहे थे, वो भी रेगुलर फ्लक्चुएशंस के साथ। मतलब इस सिग्नल का सोर्स एक पीरियोडिक मोशन में ही है, ऐसा कहा जा सकता है। अब क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी पर हमें ये सिग्नल मिला है उस सैटेलाइट्स में हम यूज करते हैं, और जैसे हमें पता है कि सैटेलाइट अर्थ के अराउंड एक पीरियोडिक मोशन फॉलो करता है, सो इससे साइंटिस्टों के लिए ये एक हिंट सा था कि शायद किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ द्वारा क्रिएटेड सैटेलाइट का ही ये सिग्नल है। और इसीलिए साइंटिस्टों ने इसका नाम ब्रेक थ्रू लिसन कैंडिडेट 1 या इन शॉर्ट BLC 1 रख दिया। बट ये स्ट्रेन सिग्नल्स इकलौती ऐसी वजह नहीं थी जिसे लेकर साइंटिफिक कम्युनिटी में इतनी हाइप मची हुई थी। इस हाइप की दूसरी वजह ये भी थी कि ये सिग्नल प्रोक्सिमा बी प्लैनेट की जनरल डायरेक्शन यानी उसके ओवरऑल मैक्रो डायरेक्शन से आया था, जहां क्या इसी प्लैनेट से आया था उसे पिन पॉइंट नहीं कर सकते, पर हम इसे प्रोक्सिमा बी से आया हुआ इसीलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि यही वो प्लैनेट है जो पृथ्वी का सबसे नजदीकी अर्थ लाइक एक्सो प्लैनेट है और फिलहाल अपने रेड ड्वार्फ होस्ट स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी के एक हैबिटेबल जोन में चक्कर काट। अब इस क्लेम को वेरिफाई करने के लिए स्मिथ और उसके मेंटोर्स ने टेलिस्कोप को प्रोक्सिमा बी के जनरल डायरेक्शन से हटा कर देखा एंड सरप्राइजिंगली उनके ऐसा करते ही सिग्नल्स डिटेक्ट होना बंद हो गए। एंड ऑफ कोर्स इस चीज ने उनकी सभी डाउट्स क्लियर कर लिए और ये चीज तो प्रूव हो गई कि सिग्नल प्रोक्सिमा सेंटोरी के ओर से ही आ रहा है। बट अगेन फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा, जनरल डायरेक्शन में से, यानी कि ये सिग्नल उस पूरे अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम में कहीं से भी जनरेट हो सकता है, राइट? सो फिर हम ये दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये सिग्नल्स प्रोक्सिमा सेंटोरी बी से ही आ रहा है? इनफैक्ट इस स्टार सिस्टम का कुछ हिस्सा तो हमारे प्लैनेट के पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से छुपा हुआ है। यू सी, क्योंकि हमारा पृथ्वी गोल है, हमें एक बार में कभी भी पूरा आसमान नहीं दिखाई देता है। हमारे होराइजन के पार आसमान का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा हमेशा हमसे ब्लाइंड स्पॉट की तरह छुपा रहता है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहने वाले लोगों को सदर्न हेमिस्फीयर का स्काई नहीं दिखता है एंड वाइस वर्सा। यानी कि कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रह के कभी भी जिंदगी भर देख नहीं पाएंगे। सो अब हम जिस प्रोक्सिमा सेंटोरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो हिस्सा है सेंटोरस कॉन्स्टिलेशन का, जो मेनली स्काई के सदर्न हेमिस्फीयर वाले हिस्से में ही है, अगर हमारे पास एक टेलीस्कोप हो और हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही रहकर प्रोक्सिमा सेंटोरी को देखना चाहे तो हम सिर्फ 0 डिग्री जो कि इक्वेटर है से लेकर 29 डिग्री यानी कि दिल्ली तक के रीजन में ही रहकर इस स्टार सिस्टम को देख पाएंगे। इस लैटिट्यूड के ऊपर के लोग इस सेंटोरस कॉन्स्टिलेशन को कभी देख ही नहीं पाएंगे, और फिर चाहे उनके पास कितने भी बड़े और एडवांस टेलीस्कोप्स क्यों ना हो। एंड मान लो अगर आपको दिल्ली से भी इस कॉन्स्टिलेशन को देखना है तो वो भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। एज यू नो, दिल्ली इज क्वाइट फेमस फॉर एयर पॉल्यूशन। आज ही दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 159 है, विच इज वेरी अनहेल्दी। एंड इनफैक्ट सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि 21 आउट ऑफ 30 वर्स्ट सिटीज फॉर एयर पॉल्यूशन इंडिया में ही है। 2019 की एक रिपोर्ट ने एयर पॉल्यूशन और हेयर डैमेज और हेयर लॉस के बीच का एक डायरेक्ट लिंक निकाला था, एस्पेशली मेन के बियर्ड हेयर में। अगर आपको पैची बियर्ड से छुटकारा चाहिए या एक नेचुरली थिकर बियर्ड चाहिए तो आप मैन मैटर्स के बियर्ड मैक्स को यूज कर सकते हो। ये एक साइंस बेस्ड सॉल्यूशन है जो आपके बियर्ड फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है और उसे नरिश करता है, और इससे आपके बियर्ड पैचेस के जगह पे न्यू हेयर ग्रो होने लगता है। साथ ही में इसमें मौजूद है मीनोडॉक्सिल जो कि क्लिनिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट है जो आपके बियर्ड के हेयर फॉलिकल्स में ब्लड के फ्लो को बूस्ट करता है, जिससे आपका फेशियल हेयर डेवलपमेंट तेजी से बढ़ता है और नतीजन थिकर बियर्ड। और सिर्फ 3 से 6 महीने के अंदर आप ये हासिल कर सकते हो। मैन मैटर्स के की सबसे खास बात यह है कि साइड इफेक्ट्स फ्री, नॉन इरिटेटिंग और पैराबेन फ्री है। मैन मैटर्स कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं बनाती है बल्कि फ्री ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करती है। सो अगर आपको इनके प्रोडक्ट्स परचेस करने हैं, आपको फ्री कंसल्टेशन बुक करना है, सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड रजिस्टर फॉर द फ्री कंसल्टेशन।
लेकिन इसके बावजूद साइंटिस्ट एक अच्छे खासे एस्टीमेट के साथ ये कह सकते हैं कि ऐसा आर्टिफिशियल सिग्नल प्रोक्सिमा सेंटोरी बी से ही आया हो सकता है। और वो कैसे? सो देखो, सबसे पहले हमें अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। इस सिस्टम के बीचों बीच मौजूद है एक बाइनरी स्टार सिस्टम जिसमें हमारे सन जैसे दो ड्वार्फ स्टार्स एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं, और इस सिस्टम के अराउंड चक्कर लगा रहा है हमारा सबसे नजदीकी रेड ड्वार्फ स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी। इस पूरे सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ प्रोक्सिमा सेंटोरी के अराउंड ही एक्सोप्लैनेट्स डिटेक्ट हुए हैं, और उनमें से भी सिर्फ एक ही प्लैनेट इस रेड ड्वार्फ के हैबिटेबल जोन में फॉल करता है। यानी ऑल इन ऑल हर चीज बस इसी तरफ इशारा कर रही है कि स्ट्रेन सिग्नल शायद ज्यादा स्पेसिफिकली इस प्रोक्सिमा सेंटोरी के प्रोक्सिमा बी प्लैनेट से ही आ रहे हैं। बट यहां पर भी एक प्रॉब्लम है। प्रोक्सिमा सेंटोरी एक रेड ड्वार्फ स्टार है जो यूजुअली काफी अनस्टेबल होते हैं। ये आए दिन एक्सरेज जैसे आयोनाइजिंग रेडिएशंस एमिट करते रहते हैं। अब वैसे तो हमारा अर्थ भी हर साल सन से आ रहे एक्सरेज को रिसीव करता है, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करें तो प्रोक्सिमा भी हर साल पृथ्वी से करीब 500 गुना ज्यादा एक्सरे का डोज रिसीव करता है, और रेड ड्वार्फ्स की अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से कभी कभी तो इससे भी ज्यादा। अभी मार्च 2017 की बात ले लो, उस रोज प्रोक्सिमा सेंटोरी के फ्लेयर्स महज 10 सेकंड के अंदर अंदर अचानक से 1000 गुना तक ब्राइट हो गए थे। और ऐसा अगर कभी हमारे सन ने किया ना, तो समझ लो हमारा थिक एटमॉस्फेयर भी हमें थर्ड डिग्री बर्न्स से बचा नहीं पाएगा। यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम प्रोक्सिमा बी की हैबिटेबिलिटी को लेकर शायद जरूरत से जल्दी नतीजे पर पहुंच रहे हैं। जरा सोच कर देखो, एक्सपर्ट्स जब उस ब्रेक थ्रू लिसन कैंडिडेट 1 सिग्नल को स्टडी कर रहे थे, तब उन्होंने पहले कहे गए पॉइंट्स के अलावा एक और चीज भी नोटिस की थी। उन्होंने नोटिस किया था कि इवन दो डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी जिस रेंज में ऑब्जर्व हुई है वो मोस्टली सिर्फ सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट्स यूज करते हैं, और उन्होंने इवेंचुअली ये भी नोटिस किया कि वो सिग्नल करीब 30 घंटे तक डिटेक्ट हुआ था। नाउ दिस इज ऑड, क्योंकि यूजुअली ऐसी चीजें किसी टेलीस्कोप से देखने पर काफी तेजी से पास हो जाती है। यानी ये अभी भी कंफर्म नहीं है कि वो सिग्नल किसी एलियन सैटेलाइट या स्पेसशिप ने ही भेजा था। इनफैक्ट सेटी इंस्टीट्यूट के एक सीनियर प्लैनेटरी एस्ट्रोनॉमर फ्रांसिस मार्चेस ने खुद भी इस बारे में ये कहा है कि हमारी गैलेक्सी के 300 मिलियन एक्सोप्लैनेट्स जो पॉसिबली हैबिटेबल है, उनमें से गैलेक्सी के सिर्फ एक ही कोने में स्थित दो नेबरिंग सोलर सिस्टम्स में एक जैसी टेक्नोलॉजी होना ये अपने आप में ही एक चौंका देने वाली बात है। और ध्यान से सोचा जाए तो इट इज, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे सैटेलाइट्स और उनके सैटेलाइट्स सेम ही फ्रीक्वेंसी बैंड रेंज पर काम करते हैं। वी कैन डिस्प्रूव दिस बाय यूजिंग बेसिक प्रोबेबिलिटी। एक सिंपल से मेंटल एक्सपेरिमेंट से इसे समझाता हूं। इमेजिन करो कि आपके हाथ में 100 डाइस है। अब हमें इतना तो पता ही है कि एक डाई को रोल करने पर किसी भी एक नंबर लेट्स से 6 के टॉप पर आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6। यानी उस हिसाब से अगर हम 100 डाइस रोल करें तो उनमें से 16 डाइस का टॉप नंबर 6 ही होगा। अब अगर हम इसमें ये कंडीशन भी ऐड कर ले कि सभी सेम नंबर वाले 16 डाइस एक ही जगह पर गिरने चाहिए, वो भी फर्स्ट ही अटेम्प्ट में, तो अब कितने चांसेस है कि जो हम चाहते हैं वही होगा? ऑब्वियसली इवन लोअर देन द प्रीवियस प्रोबेबिलिटी। यानी कहने का मतलब बस इतना है कि एक परफेक्ट आउटकम हमेशा एक रैंडम प्रोसेस का नतीजा होता है जो एक ही वक्त पर एक ही जगह में आसानी से बार बार रिपीट नहीं होता। और यही रीजन है कि भले ही प्रोक्सिमा बी प्लैनेट हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलता जुलता है, वहां एक इंटेलिजेंट लाइफ को खोज पाना अभी भी एक डाइसी गेम है। लेकिन शायद द मोस्ट रिसेंटली लॉन्च जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपने ज्यादा एडवांस्ड और सेंसिटिव डिटेक्टर्स की मदद से हमें इस मिशन में हेल्प कर सकता है। दरअसल जस्ट पिछले ही साल एक पेपर रिलीज हुआ था जिसमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और जल्द ही लॉन्च होने वाली लुवॉयर स्पेस ऑब्जर्वेटरी की मदद से प्रोक्सिमा बी पर आर्टिफिशियल लाइट्स डिटेक्ट करने की बात की गई है। उनका यह दावा था कि क्योंकि प्रोक्सिमा बी अपने होस्ट स्टार से इतनी क्लोजली ऑर्बिट कर रहा है, तो जरूर प्रोक्सिमा बी भी हमारे चांद की तरह टाइडली लॉक्ड होगा। यानी ऐसे में देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी कि एक एलियन सिविलाइजेशन गर्मी से दूर उसके डार्क साइड पर पनप रही हो, और वहां अंधेरे में देखने के लिए टॉर्च, एलईडी, ट्यूब लाइट्स जैसे आर्टिफिशियल लाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा हो। सीम्स लॉजिकल एंड इंटरेस्टिंग, राइट? वेल, नोप। ब्रेकथ्रू इनिशिएटिव से जुड़े साइंटिस्ट इससे कन्विंस्ड नहीं है, और ना ही मैं हूं। जरा सोच कर देखो, जो जीव हमारे समुद्र की गहराइयों में इवॉल्व होते हैं, क्या उन्हें आर्टिफिशियल लाइट्स की जरूरत पड़ती है? नहीं, वो वहां पर अपनी खुद की लाइट यानी बायोल्यूमिनेसेंस क्रिएट करते हैं, या तो फिर अपने बाकी के सेंसेस के दम पर सर्वाइव करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। सो जो एलियन सिविलाइजेशन
सिविलाइजेशन प्रोक्सिमा बी के डार्क साइड पर इवॉल्व हुई होगी वो आखिर आर्टिफिशियल लाइट्स का इस्तेमाल क्यों करेगी, और इसीलिए हमें आर्टिफिशियल लाइट्स के बजाय प्रोक्सिमा बी के ओशंस के अंदर के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बायोल्यूमिनेसेंस डिटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। यही वजह है कि ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव से जुड़े साइंटिस्ट एक ब्रेक थ्रू स्टार शॉट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इनके प्लान के हिसाब से हल्के और स्ट्रॉन्ग मटेरियल के बने काइट के शेप के प्रोब्स को पावरफुल लेजर्स की मदद से एक्सेलरेट किया जाएगा, जिसकी मदद से ये प्रोब्स ऑलमोस्ट किसी शिप के सेल के जैसे इंटरस्टेलर ओशन में ऑलमोस्ट 20% स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर पाएंगे, और फिर ये प्रोब्स प्रोक्सिमा बी तक पहुंचकर उसके वातावरण और मैग्नेटिक फील्ड की डिटेल जानकारी हमें वापस भेजेंगे। मीनिंग हम ज्यादा अच्छे से जान पाएंगे कि प्रोक्सिमा बी हैबिटेबल भी है या फिर नहीं। लेकिन तब तक के लिए BLC-1 सिग्नल थोड़ा डाउटफुल ही रहेगा, जस्ट लाइक द 1977 वाला वाओ सिग्नल। बिकॉज द ओनली थिंग जो हमें इस सिग्नल के बारे में पता है वो ये है कि ये सिग्नल पृथ्वी से करीब 1800 लाइट ईयर्स दूर सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन के टू मास 1928-1982 264-0123 इस सनलाइक स्टार की दिशा से आया था। सो इज द हंट फॉर एलियन स्टिल ऑन? Well, definitely yes. दोनों वाओ सिग्नल और प्रोक्सिमा सेंटोरी के डायरेक्शन से मिले हुए सिग्नल पर आज रिसर्चेस जारी है। ये सिग्नल्स एलियंस द्वारा ही बनाए गए थे, ये भले ही हम इस वक्त दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन दिस थॉट कि यूनिवर्स में हमारी ही जैसी टेक्नोलॉजी यूज करने वाला कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है, ये हमें पूछने पर मजबूर करती है कि आखिर एलियन लाइफ दिखती कैसी होगी, वो उस पर्टिकुलर प्लैनेट के हिसाब से इवॉल्व कैसे हुई होगी। जब हम एलियंस को इमेजिन करते हैं, वी इमेजिन ऑन अ बिग हेड, स्किनी बॉडी, ग्रे स्किन एंड बड़ी बड़ी आंखें, राइट? व्हिच इज स्कैरी, राइट? बट उससे भी ज्यादा स्कैरी चीज तो ये हो जाएगी अगर एलियंस हूबहू हम इंसानों की तरह ही दिखते हो, और फिर हम ये कैसे बता पाएंगे कि कौन इंसान है और कौन एलियंस। एंड विद दैट सेड फ्रेंड्स, सो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, जो सिग्नल हमें प्रोक्सिमा सेंटोरी से मिल रहे हैं, क्या वो एलियंस के सिग्नल है या नहीं, उसके पीछे कोई और ही रीजन है? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और फ्रेंड्स जाने से पहले भूलना मत, फॉर एनी मेन रिलेटेड क्वेरी बुक एन ऑनलाइन कंसल्टेशन विद मैन मैटर्स, और बियर्ड मैक्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।